हमारी मांग थी कि इवनिंग कॉलेज खुलना चाहिए डीयू में, डीयू में इवनिंग कॉलेज खुले जिससे ज्यादा बच्चे डीयू तक पहुंच पाए रेगुलर कॉलेज तक। हमारी ये मांग में क्या गलती थी? हमारी तीसरी मांग थी सरकारी स्कूल के बच्चों का हक होना चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय पे, उसमें क्या दिक्कत थी? ये दिल्ली पुलिस ये मिली हुई है वाइस चांसलर से, ये मिली है डिफेंस कॉलेज से, हम शांतिपूर्ण ढंग से वाइस चांसलर का विरोध कर रहे थे, हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी पर और जो यहाँ पर जो है पुतला दहन का आज कार्यक्रम किया गया था और वहाँ पर बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर जो है डिटेंशन ये बच्चे भी अपने स्कूल में चले जाए, बच्चों का यहाँ नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चों को जो है इस तरह से ना, ये बच्चे भी यहाँ से चले जाए। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी परमिशन जो है आज यहाँ बैठने के लिए नहीं दी गई है, ना ही कोई आग वाग लगाने की, पुतला उतला फूंकने की, इस तरह से जो है अराजकता फैलाने का कोई आपको जो है परमिशन नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आपसे निवेदन किया जाता है, 5 मिनट के अंदर यहाँ से भीतर भीतर हो जाएं। आपके खिलाफ आपका मजबा गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है फौरी यहाँ से, कृपा बच्चों आपसे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की जा रही है, आप प्लीज यहाँ से उठ जाएं और कानून का पालन करें, किसी तरह की अराजकता ना फैलाएं। कोई आगजनी, आग लगाना, पुतले फूंकना ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और आपको वार्निंग दी जा रही है, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए आप, आपको चेतावनी दी जा रही है। पुतला फूंकना भी बिल्कुल गैर का, यहाँ पे आग लगाना कोई तरह का गैर कानूनी कार्य नहीं किया जाएगा, ना आपको पास कोई परमिशन है। और अब इनको वार्निंग दी जाती है और नेता लोगों को जो है इनको लीजिए हिरासत में, इनको लिमिट वो इधर आ जाओ, आग वाग कोई नहीं लगा, मैंने पहले बता दिया, आग लगाना गैर कानूनी कार्य करना ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। खाना शाह नहीं है, आप 15 दिन से कोई किसी को कुछ नहीं कहा है, लेकिन आप आग लगाएंगे, आप इस तरह का करेंगे, आग लगाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप शांतिपूर्वक रहेंगे, आग लगाने का क्या कौन कह रहा है? आप आग लगाओगे यहाँ पे? पूर्ता नहीं, आग नहीं लगाओगे सर जी, आग नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल आग नहीं लगाई जाएगी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, कोई आग वाग नहीं लगेगी, मैंने पहले बता दिया आपको। आप शांतिपूर्वक अपना कर लें, आपके पास परमिशन नहीं है, आपको कोई परमिशन नहीं है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी चलो ये लेडीज को ले जाओ, अरे लेडीज को बैठा, लेडीज आप आगे चलो, लेडीज रहो बीच में बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी पर और जो यहाँ पर जो है पुतला दहन का आज कार्यक्रम किया गया था और वहाँ पर बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर जो है डिटेंशन शुरू कर दिया यहाँ पर, और किस तरीके से यहाँ पर जो है खसीटा जा रहा दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों को, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और यहाँ पर छात्र जो हैं आज जो है अपना पुतला दहन कार्यक्रम करने वाले थे DUVC का और सोल का, तो उस पर और किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा सभी छात्रों को डिटेन किया जा रहा है, सभी छात्रों को डिटेन किया जा रहा है यहाँ पर, और तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस द्वारा और छात्रों को जो है यहाँ पर जो करीबन 15 दिनों से यहाँ पर जो बैठे हुए थे और उनको जो है
आज अनुमति नहीं थी ऐसा जो है पुलिस द्वारा यहाँ पर जो अधिकारियों द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, और आज की जो है अनुमति नहीं थी, और उसके बाद यहाँ पर पहले डिटेंशन जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें देख सकते हैं आप सीधी सीधी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। दिल्ली पुलिस शर्म करो, हम पिछले 15 दिन से शांतिपूर्ण ढंग से 8 सेकेंडरी गेट पर बैठे हैं, जो स्टीफेंस कॉलेज का मनमाना इंटरव्यू क्राइटेरिया है हम उसका विरोध कर रहे थे। हम दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नए कॉलेजों की मांग कर रहे थे, इवनिंग कॉलेज खोलने की मांग रहे थे, सरकारी स्कूल के छात्रों के अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन, ये दिल्ली पुलिस, ये मिली हुई है वाइस चांसलर से, ये मिली है स्टीफेंस कॉलेज से, हम शांतिपूर्ण ढंग से वाइस चांसलर का विरोध कर रहे थे, हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन आज जो हो रहा है आप ये देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, स्कूली छात्राओं के साथ बदतमीजी की जा रही थी। हमारा धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, हमने किसी भी तरह के ना किसी का परेशान किया, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे उठा रहे थे। 15 दिन से हम बैठे हुए, जब 15 दिन से कोई किसी तरह के हिंसा नहीं हुई, तो आज ये क्या किया जा रहा है? आज जो किया गया बहुत ही गैर कानूनी, गैर जनता यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करना, यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और ये जो तानाशाह ACP है, आप उन्हें देख सकते हैं इनकी तानाशाही, हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये अचानक से आए और ये गवर्नमेंट के आदेश का पालन कर रहे हैं और हमारे लोकतांत्रिक आवाजों को दबाए जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 फैकल्टी के बाहर। अब यहाँ पर जो है आज पुतला दहन का कार्यक्रम जो यहाँ पर किया जा रहा था, उसके बावजूद यहाँ पर जो है पुलिस ने गैर कानूनी बता के, और यहाँ पर जो है परमिशन ना होने के कारण यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बताया कि साफ तौर पर परमिशन यहाँ पर नहीं गई है। और उसके बाद आप देखिए तस्वीरें सीधा यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर, ये देख सकते हैं यहाँ पर साफ तस्वीरें यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर किस तरीके से पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो छात्रों के साथ, और यहाँ पर जो है धक्का मुक्की यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है। यहाँ पर जो है परमिशन ना होने के कारण यहाँ पर दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर यहाँ कहना है कि यहाँ पर जो आज जो है परमिशन नहीं थी, उसके बाद कोई भी पुतला दहन करने जैसी यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं होनी थी, और उसके बाद यहाँ पर जो है सभी छात्रों को जो डिटेन कर लिया गया है। बाकी दिल्ली पुलिस द्वारा हम लोगों की 3 मांगे थी, एक जो स्टीफन कॉलेज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस चेंज के बावजूद इंटरव्यू की मांग कर रहा था, 15% इंटरव्यू को वेटेज दे रहा था, हम उसके खिलाफ थे। हमारी मांग थी कि इवनिंग कॉलेज खुलना चाहिए डीयू में इवनिंग कॉलेज खुले, जिससे ज्यादा बच्चे डीयू तक पहुंच पाए रेगुलर कॉलेज तक। हमारी ये मांग में क्या गलती थी? हमारी तीसरी मांग थी सरकारी स्कूल के बच्चों का हक होना चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय पे, उसमें क्या दिक्कत थी? दिल्ली पुलिस के खिलाफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से तमाम यहाँ पर जो है छात्र बैठे हुए थे अपने प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण, और आज इसी बीच इनका जो है पुतला दहन करने का आज इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफन कॉलेज का पुतला दहन आज करने वाले थे, और जिसके बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने इनको यहाँ पर जो है गैर परमिशन होने के कारण, पुलिस का कहना है यहाँ पर कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है पुतला जलाने की अनुमति यहाँ पर नहीं है, आप ऐसे काम नहीं कर सकते, आराधक तत्व इनको बताते हुए और इनको जो है आज डिटेन कर लिया गया। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा सभी छात्रों को घसीट कर डिटेन कर लिया गया। एक गाड़ी आपको पहले दिखाई थी, अब दूसरी जो है PCR में कुछ महिलाएं जो बची थी छात्राएं, उनको जो है PCR में अब ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर करीबन 15 दिनों से छात्र बैठे हुए थे, उन सभी छात्रों को जो डिटेन कर लिया गया है, और यहाँ पर